देखिए क्लास टेंथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, कितने, दो, ओके। तो यहां देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, ओके, बाय एक्सचेंज ऑफ एन आयन, ठीक है ना, या बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होना जरूरी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और साथ में दो नए कंपाउंड बने, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या क्या होता है, दो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सचेंज किसका होगा, आयन का, बनेंगे कितने कंपाउंड, दो, टू, ओके, कोई दिक्कत है। तो ये डेफिनेशन आपकी बन गई, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। The two reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called DDR. DDR means double displacement reaction. Okay? Now, precipitation reaction क्या होता है? ये आपने पहले भी देखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें आपको precipitate मिलता है जो कि दिए गए solution में insoluble होता है, ठीक है ना, insoluble होता है। तो वही मैंने यहाँ नोट किया, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, और उस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट, ओके। तो द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। इसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, इवन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे जितनी भी, उसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं, आपको पता भी है, चैप्टर का एक पिच बन गया है, इसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को आप ऐड करिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, ओके। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, इस सॉल्यूशन में आपने मिलाया NaCl सोडियम क्लोराइड। अब नाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को आपने मिलाया, ओके। तो देखिए किस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं इधर मैकेनिज्म इसका, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। बताइए भाई Ag पे कितना चार्ज होता है, लिस्ट दी थी मैंने, प्लस टू की वन, वन प्लस वन, नाइट्रेट पे माइनस वन, ओके। इधर बनाइए Na पे प्लस वन, Cl पे माइनस वन, ओके। ध्यान दीजिए इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस से, इसका वाला प्लस माइनस इसके वाले प्लस से, यस, ये देखिए बन गया आपका, ठीक, क्या बन जाएगा कंपाउंड, AgCl बनेगा, ठीक है। तो आपका बन गया AgCl, ओके, प्लस NaNO3, ओके, कोई दिक्कत है। और इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें सॉल्यूशन जो बनता है वो किसका बनता है, सोडियम नाइट्रेट का, ओके। तो यहाँ एक्वस लिख हो गया, नाम इसका क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये इसका सॉल्यूशन बनता है, और प्रेसिपिटेट किसका मिलता है आपको, AgCl, कलर याद कर लीजिएगा, इसका कलर होता है व्हाइट, ओके। तो ये आपको व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का, कोई दिक्कत है। यहाँ पे आपने क्या देखा बताइए, कितने कंपाउंड्स ने पार्टिसिपेट किया, हाँ, टू, AgNO3 और NaCl ने, और साथ में क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। देखिए इसका जो एन आयन था नेगेटिव वाला, वो इस कंपाउंड के कैटायन से रिएक्ट कर गया, या आप बोलेंगे कि सिल्वर कैटायन सोडियम क्लोराइड के जो क्लोराइड एन आयन था उससे रिएक्ट कर गया, कैटायन आयन, समझते हो, कैटायन पॉजिटिव, एन आयन नेगेटिव। इसी तरीके से NaCl का जो कैटायन था वो AgNO3 के एनआयन NO3 से रिएक्ट कर गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई दिक्कत है, हाँ, ओके। और सिंगल जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें क्या होता था, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज, कोई दिक्कत है इसमें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, ओके, ये देखिए, ये
ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, BaCl2 एक्वस लिखेंगे, सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा भाई, ये यहाँ पे आपने सॉलिड लिखना है, ये मैं लिखना भूल गया, सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट था ना, इनसॉल्युबल सॉलिड है ना, ये डेफिनेशन में देखिए इनसॉल्युबल सॉलिड मिलेगा आपको कुछ, ओके, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। हाँ भाई, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 का सॉल्यूशन बनाया हमने, पहले इसका सॉल्यूशन बनाइए, और साथ में सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4। क्यों नहीं बना रहे हो बताओ भाई, हाँ फॉर्मूला, Na पे क्या होता है +1 और सल्फेट पे क्या होता है -2। बिना बनाए मत बताइए, 2 इधर आ जाएगा 1 उधर, तो Na2SO4 ठीक है। और बेरियम पे कितना चार्ज होता है 2+, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है 2, और Cl पे कितना होता है -1, इसलिए Ba के नीचे कुछ नहीं लिखा है 1, तो ये क्या हो जाएगा NaSO4 सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन, सॉरी Na2SO4। अब आयन का एक्सचेंज करिए, Ba क्या होता है 2+, और Cl क्या होता है सिंगल माइनस, Na क्या होता है आपका +1, और सल्फेट क्या होता है 2-, ये वाला इससे और ये वाला इससे क्या बन जाएगा बताइए, BaSO4, 2 से 2 कैंसिल, तो बन जाएगा आपके पास BaSO4, ओके। और ये BaSO4 कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ओके, तो ये सॉलिड फॉर्म में वाइट पीपीटी, नाम बताइए BaSO4 का, बेरियम सल्फेट, कोई दिक्कत है, इधर देखिए, और दूसरा कौन सा बनेगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड बताइए, यस एक्वस सॉल्यूशन, समझ रहे ना, ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन है, और उसमें प्रेसिपिटेट आपको किसका दिखाई पड़ेगा, BaSO4 का, ठीक है, इज इट बैलेंस, पहले वाला बैलेंस था, यस, इज इट बैलेंस, नो, Na कितना यहाँ पे 2, तो इधर भी क्या कर दिया हमने 2, तो Cl कितना हो गया 2, Cl2 है, Ba1, ओके ठीक है, सल्फेट आयन बैलेंस, कोई दिक्कत है, हाँ, तो ये भी किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, प्रेसिपिटेट किसका मिलता है BaSO4 का, वाइट कलर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मान लीजिए BaCl2 रिएक्ट्स विद CuSO4 कॉपर सल्फेट, ओके, देखिए बना सकते हैं इसको, ये वाला ऊपर का रिएक्शन मैं रब कर रहा हूं, ये रब कर दूं मैं डेफिनेशन, देखिए फटाफट देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, BaCl2 ये बस सॉल्यूशन लिया आपने, नाम बेरियम क्लोराइड, अब की आप इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करिए, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट, ओ सॉरी एक्वस फॉर्म में ना, एक्वस फॉर्म में, हाँ भाई बताइए क्या बनेंगे कंपाउंड, BaSO4 कौन से कलर का, वाइट कलर, ठीक है, BaSO4 सॉलिड फॉर्म, वाइट पीपीटी, वाइट प्लस, और बताइए क्या बनेगा, CU, ध्यान से बताइएगा, CU पे चार्ज कितना होता है 2+, ओके, हालांकि दो मैंने दिए चार्ज, क्यूप्रस भी और क्यूप्रिक भी, लेकिन यहाँ पे क्यूप्रिक है 2+, उठा के देखिए अपने चार्ट में जो लिस्ट दी, और Cl पे माइनस, ये इधर क्या हो जाएगा CuCl2, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, ओके, तो CuCl2 कैसे फॉर्म होगा, ओके, और वाइट प्रेसिपिटेट आपको किसका मिलेगा, BaSO4 का, ओके, कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिए, इसमें व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये देखिए, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस, इसमें आपने कौन सी गैस पास कर दी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये आपका गैस है, ओके, अब आपको मिलेगा क्या, देखिए ध्यान दें इधर, ओके,
इसको बना के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा CU2 plus SO4 2- इसको बनाइए H plus S2-। याद है O पे कितना चार्ज होता है 2-, और ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है सल्फर। पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 16 देखिए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 16 में क्यों भाई याद नहीं हुआ अभी तक क्या? ग्रुप नंबर 16 में क्या होता है? हाँ, ओल्ड स्टाइल से इंपोगे फिटोगे। ओके, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम। ओके, ऑक्सीजन में 2- होता था तो सल्फर में भी कितना होगा 2-, क्योंकि सेम ग्रुप के मेंबर सेम बिहेव करते हैं। ओके, ये हो गया आपका 2-, यहाँ से पहचान गए। अब एक्सचेंज करा देते हैं, किस तरीके से एक्सचेंज होगा H इससे, तो बताइए क्या बनेगा H2SO4। ठीक है, तो ये बन गया आपका H2SO4। ठीक है, ये एक्वस हो गया आपका। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुना आपने H2SO4, नाम में भी लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और ये क्या था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, नाउ ये वाला इससे क्या बता देगा? CuS ओनली। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है ना, 2 एंड 2 गेट्स द आंसर एंड आंसर इज CuS। ठीक है, नाउ यस दिस इज आर यस दिस इज आयन। जैसे कि आपको ऑक्साइड्स मिलते थे ना, ये ऑक्सीजन की फैमिली के नीचे वाला मेंबर ही तो है, वो के नीचे ही तो ऐसा आता है। तो जब ऑक्साइड में, जैसे कि ये देखिए CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। तो आज कौन आ गया? सल्फर। तो नाम क्या पड़ेगा? कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो नाम इसका हो गया कॉपर सल्फाइड। और ध्यान रखिए ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। ओके, ब्लैक पीपीटी होता है ये, आपको याद रखना है। और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका आपको एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ बैलेंस है क्या ये बताइए? यस बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये नोट कर लिए? हाँ भाई, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ मुझे बताते जाइए। व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH? कैसे पता किया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला, अमोनियम इज व्हाट? NH4+। लिस्ट में देखिए अमोनियम आयन ये होता है और हाइड्रोक्साइड आयन कौन होता है? OH-1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या बन जाएगा? NH4OH, नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बना लिया, ये हो गया अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। इट विल रिएक्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए कैसे बनेगा? AlCl3। कैसे बनेगा? Al पे कितना आता है? 3+, और Cl पे -1। ये इधर, ये इधर, आंसर इज AlCl3। ओके, नाउ ये हो गया आपका क्या? AlCl3 एक्वस। हाँ भाई बताइए क्या क्या बनेंगे? यहाँ से आयन बनाइए NH4+OH-, यहाँ से बनाइए Al3+Cl-, ये वाला इससे, तो क्या बनेगा? NH4Cl, नाम अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये बन गया NH4Cl, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड नाम बना सकते हैं। NH4+ क्या होता है? अमोनियम, और Cl- क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा देखिए, ये देखिए Al पे कितना है? 3, तो क्या होगा? AlOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस। ओके, ठीक है, क्योंकि ये वाला 3 इस पूरे पे आ जाएगा ऐसा नीचे,
ठीक, और ये वन इसके पास जाएगा जो कि लिखा नहीं जाएगा, तो एल ओ एच होल थ्राइस हो गए। ओके, नाम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सिंपल है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है, प्रेसिपिटेट। ओके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस का आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसका फेज लिख दीजिए, सॉलिड, ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कोई डाउट है? अब बैलेंस करिए, बैलेंस है कि नहीं? पॉलीएटॉमिक आयन OH उधर भी है इधर भी है, नहीं बैलेंस है पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिक उधर कितने? थ्री। इधर कितने? वन। तो आगे क्या लगा देंगे? थ्री। अब अमोनियम आयन डिस्टर्ब हो गया, तो अमोनियम पे पूरे पे क्या लगा दोगे आगे? थ्री। अब सीएल शायद डिस्टर्ब हो गया हो, नहीं, ठीक है, बैलेंस। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करेगा। देखा कैसे बैलेंस किया, कौन से रूल से उठाया? पॉलीएटॉमिक से। इधर पॉलीएटॉमिक कितने थे? OH वन, उधर कितने थे? थ्री, इसलिए यहाँ लगाया थ्री। इस तरीके से NH4 जो कि पॉलीएटॉमिक आयन है, क्यों भाई? ये NH4 प्लस पॉलीएटॉमिक आयन है ना, जस्ट आपको मिली, पॉलीएटॉमिक के ग्रुप में आता है, एक से ज्यादा एटम्स है इसमें, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक अमोनिया इधर डिस्टर्ब हो गया था, हम कर दिया अमोनिया, इसको बैलेंस कर लिया उधर थ्री लगा के, और बाकी सारा था, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखिए, एक रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं और वो दोबारा आ रही है। व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, याद है आपको? लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलता था, कोई दिक्कत है? तो वो रिएक्शन में नहीं करा रहा हूँ, वो भी किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, या देख लीजिए अगर आपको देखना हो दोबारा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, PbNO3 होल ट्वाइस। कैसे, क्यों नहीं बनाते हैं आप? तो फॉर्मूला Pb2 प्लस होता है और नाइट्रेट सिंगल माइनस, क्या बनेगा? PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, व्हाई Ki? बिकॉज़ के प्लस आई माइनस, ओके, के प्लस आई माइनस, वन वन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट PbI। कैसे बनाया? Pb2 प्लस आई माइनस Pb, और ये इधर PbI2 ना, लेड आयोडाइड, ठीक है, ये बन गया आपको PbI2 लेड आयोडाइड येलो PBT, येलो प्रेसिपिटेट। और देखिए क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा, नाम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम, क्योंकि NO3 माइनस आयन का नाम क्या होता था? नाइट्रेट, इसलिए इसका पूरा नाम सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नाउ अब इसमें जो है इसको बैलेंस करिए, ये देखिए NO3 पॉलीएटॉमिक इधर कितने हैं, लाइन से क्यों नहीं चेक करते जैसा पढ़ाया मैंने, ये पॉलीएटॉमिक आयन NO3 कितने? टू। इधर भी क्या लगा देंगे? पॉलीएटॉमिक NO3 है टू, लिस्ट मिली है ना पॉलीएटॉमिक, इसमें आता है। अब पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ क्या लगा देंगे? टू। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस आई थिंक, यस, ओके। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, याद रखिएगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ, क्या क्या बनता है? वाटर प्लस सॉल्ट, देख लेंगे कैसा बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके,
याद रखिएगा, अभी हमको आगे भी पढ़ाया जाएगा ना, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारे पास है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, है ना, ये NaOH बताइए क्या है, बेस है कि एसिड है? बेस है। OH आता है तो याद रखिए बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर से नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका HCl, ये भी एक्वस फॉर्म में, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एसिड। हाँ भाई, कैसे रिएक्शन कराएंगे? कैसे बनाया होगा आपने? यस, यहाँ से देखिए ब्रेक कर दिया होगा आपने Na प्लस OH माइनस, यहाँ से ब्रेक करोगे H प्लस Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस आपस में पास पास आ जाएंगे और क्या बना देंगे H2O, ठीक है। तो आपको मिल गया वाटर जो कि लिक्विड है प्लस आपको HCl मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, ठीक है। वाई आयंस का एक्सचेंज हुआ है, देख सकते हैं आप, कर सकते हैं उसको, ये बन गया आपका NaCl, यहाँ आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला है, ठीक है ना, NaCl दैट इज एक्वस ऑल्सो सोडियम क्लोराइड, NaCl इज सोडियम क्लोराइड। ओके, कोई प्रॉब्लम है? यस, क्वेश्चन बताइए, एक्सरसाइज। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. बताइए कैसे बनेगा? देखिए आप याद करिए, एक रिएक्शन आपने पढ़ी हुई थी कल जो हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है आपको? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है आपको, FeCuSO4 के साथ कराया था, क्या आया था बताइए? यस, FeCuSO4 प्लस, इसमें रीजन क्या दिया था आपने? आयरन, क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी में ऊपर आता था। तो आज क्या पूछा गया है कि आयरन रिएक्ट्स विद HCl, ये पूछा गया है, तो बताइए क्या बनेगा? FeCl2, ठीक है, फेरस क्लोराइड 2+, और ज्यादा होता है तो 3+। क्या रीजन देंगे? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। व्हाई क्लोराइड? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर आता है कि नहीं आता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में? हाँ, ये देखिए यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड। ओके, अब हाँ तो बताइए क्या बन जाएगा? होली कंपाउंड FeCl2 और साथ में क्या निकलेगा? H निकलेगा, बस H2O निकलेगा, वो आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन गैस। ओके,
ये फेरस क्लोराइड का आपको सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंस करिए, यहाँ टू लगा दोगे बैलेंस, कोई दिक्कत है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा था व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। नंबर वन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन वन, इस पे टिक लगाएंगे। दूसरा सुनिए, बोल रहे थे क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। चलो क्लोरीन गैस तो समझ में आता है, वाई हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस है ही नहीं, ओके, नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ये तो टिक ही नहीं लगाएंगे। वाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, होगा ही होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन से। आयरन सॉल्ट एंड वॉटर आर प्रोड्यूस, बोला जाता है आयरन सॉल्ट एंड वॉटर आर प्रोड्यूस, ये भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोला जा रहा है कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है, Fe2O3 रिएक्ट्स विद 2L गिव्स Al2O3 प्लस, ऐसा दिया है, इसको रब कर दो, यस सर, मैं देखिए लिख दे रहा हूं यहां पे, ओके। ये Fe2O3 प्लस एयर, और इन्होंने रिएक्शन दी तो मैं आपको लिख देता हूं सर, क्या गिवन है, ये ऐसा आपको रिएक्शन एक गिवन है, ओके। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन सुनिए, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, बिकॉज एल्यूमिनियम कम्स और अपना ऑक्साइड बना दिया। ये रिएक्शन मैंने आपको क्लास में कराई है शायद, yes, तो आपने देखा एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, चाहे उसके एक्वस सॉल्यूशन में से कर दे और चाहे उसके ऑक्साइड में से कर दे, तो यहाँ क्या कर रहा है, उसके ऑक्साइड में से कर रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। अगला आपको एक सैंपल प्रॉब्लम गिवन है, बोला जा रहा है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ओके। आई थिंक ये आप कर सकते, देखिए पहले बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, कर सकते हैं, हाँ। देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, बेरियम क्लोराइड ऐसे ही लिखा हुआ इंग्लिश में, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, हाँ भाई पोटेशियम सल्फेट, बताओ क्या रिएक्शन होगी, बैलेंस करो और टाइप बताओ, फॉर्मूला बताइए बेरियम क्लोराइड का, BaSO2 BaSO2 पोटेशियम सल्फेट K2SO4, समझ रहे हो क्यों K2SO4, K plus SO4 2 minus K2SO4 कंपाउंड, बताइए क्या बनेंगे, BaSO4 plus KCl, K plus Cl minus KCl, ठीक है, ये आपका बन गया, ओके। इसमें से बेरियम सल्फेट का वाइट सॉरी प्रेसिपिटेट मिलता है, अभी बताया था वाइट प्रेसिपिटेट और पोटेशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, इज इट बैलेंस, टू के सी एल यहाँ के टू था, ओके नाउ बैलेंस, नाउ बोला जा रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो दिक्कत है, के ने सीएल के साथ बीए ने एसओ4 के साथ रिएक्ट किया, मतलब आयन आप बना सकते हैं, वो दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म, कैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में एक्सरसाइज में, जिंक कार्बोनेट सॉलिड ऐसा, फिर गेट्स जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इधर सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,